झूला झूल झूल के मजा आ रहा है? और झूलाए और झूलाए। पैर ऊपर ही रखना हो ना, चट्टू लग जाएगा। गुनुआ बाय 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 बाय, जा रहे लखनऊ जा रहे, चलोगी लखनऊ चलोगी? बता दो चलोगी नहीं चलोगी? चलो, ठंडी ठंडी हवा चल रही, बहुत ठंडी है आज, ठंडी लग जाएगी। तुम गल जाओ चुप्पे, हम जा रहे लखनऊ, हम लखनऊ जा रहे, तुम भी चलोगे नहीं चलोगे? नहीं चलना है, चलना है? अच्छा, ठंडी बहुत है, ठंडी लग जाएगी तुम्हें। हाथ अंदर कर लो। अच्छा, हाथ अंदर कर लो, देखे कैसे करोगे। ऐसे अंदर हो गए, हाथ अंदर हो गए, बाहर आ गए। इसमें है गाड़ी आ रही बाहर, गाड़ी से जाएंगे लखनऊ। तुम भी चलोगी? हाँ? तुम मत चलो, इसमें गिरा दें तुमको हम, इसमें हम गिरा दें, गिरा दें, हम गिरा दें, नहीं। गिरा दें उसमें, गिरा दें। अच्छा, नहीं गिराए, चलो ठीक है, जाओ फिर मम्मा पास जाओ, मम्मा पास चली जाओ। तुम नहीं चलोगी वहाँ, तुम अकेले चलोगी, फिर रोओगी तुम, फिर तुम रोओगी, तुम्हें मम्मा की याद आएगी, फिर तुम रोओगी। तुम नहीं चलो, नहीं, चलो ठीक। Several days later. सो गाइज, अभी मैं उन्नाव में हूँ, यहीं दोस्ती नगर में फायर सर्विस ट्रेनिंग स्टेशन है, तो वहीं पर हूँ। एक्चुअली यहाँ पर हमारे भैया एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी आज पीओपी होनी थी, पीओपी मतलब पासिंग आउट परेड, जो कि आज के लिए पोस्टपोन हो गई है, अब कल होगी। सो आज मैं यहीं पे आया हुआ हूँ, और आज वैसे आज यहाँ हवा बहुत ही तेज चल रही है, एक्चुअली मौसम काफी खराब हो गया है, और हो सकता है बारिश भी हो जाए, और जब मैं घर से निकला था तो वहाँ पर बारिश हो भी रही थी। वीडियोज में हमारे हवा आ रही थी, इसलिए हम देखो कहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ सब गाड़ियां खड़ी हुई हैं, डिसेंबल हुई। पीओपी के लिए जो भी रिमेनिंग वर्क है वो सब यहाँ के कैडेट्स कर रहे हैं अभी के लिए। टोटल 66 कैडेट्स हैं, एक्चुअली 67 थे, तो एक लोग यहाँ पर आए नहीं थे ट्रेनिंग के लिए, तो अभी 66 कैडेट्स हैं। इनमें से यहाँ पर कुछ लोग झंडा लगा रहे हैं, बाकी सारा काम इन्हीं लोगों ने किया है, मतलब कैडेट्स ने ही किया है ये सारा काम। हमारे भैया का हॉस्टल वो सामने वाला है, और मैं दूसरे वाले हॉस्टल की छत पर आया हुआ हूँ। एक्चुअली उस वाले हॉस्टल की छत पर पानी भरा हुआ था, तो अभी मैं इस वाले हॉस्टल की छत पर हूँ, और यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ सामने जो परेड ग्राउंड है वहाँ का। वीडियो में शायद इतना अच्छा ना आ रहा हो, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, और ये जो कलर दिख रहा है आपको रेड रेड, ये सारा कुछ गेरू है, गेरू से इसे तैयार किया गया है। हवा अभी भी बहुत ही ठंडी चल रही है, बट बारिश शायद नहीं होगी, तो अब मुझे परेड देखने को मिल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो सब बेकार हो जाता। वैसे परेड कल होनी है, और 10 बजे के बाद पता चलेगा कितने बजे से होनी है। और फायर स्टेशन का ये जो हॉस्टल है, ये मुझे कुछ कुछ पबजी के हॉस्पिटल जैसा लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों लग रहा है ऐसा। ये ऊपर का रास्ता है जो दोनों बिल्डिंगों को कनेक्ट करता है, ये नीचे वाला रास्ता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, और इधर रूम बने हुए हैं। और
और मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था जुलाई 2019 में, जब यहाँ पर भैया की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, और उस टाइम पर हम सारा सामान लेकर के आए थे भैया का। तो वो जो हॉस्टल अभी मैंने दिखाया, वहीं पर सारा कुछ शिफ्ट किया गया था पहले भी, और इस बार भी वही हॉस्टल मिला हुआ है। और जनवरी 2020 में हाईकोर्ट के आदेशानुसार इन लोग की ट्रेनिंग रोक दी गई थी। आई थिंक केवल एक दिन की ट्रेनिंग बची हुई थी, और अब दोबारा से इन लोग को 3 हफ्ते की ट्रेनिंग करनी पड़ी है, बिकॉज उस टाइम पर एग्जाम नहीं हो पाए थे। तो 7 तारीख को एग्जाम तो हो चुके हैं, अभी पीओपी होनी बाकी है, जो कि कल हो जाएगी। अभी शाम के 7 बजे हैं और मैं भैया के बैरक में ही हूँ इस समय। एक्चुअली सभी लोग गए हैं काउंटिंग के लिए, तो जहाँ पर गिनती की जा रही वहाँ गए हुए हैं। अभी मैं सभी की वर्दी दिखाता हूँ, एक तरह से टंगी हुई है ये, इस लाइन में वर्दियां हैं। तो ये वर्दियां टंगी हुई हैं 1, 2, 3, और इसी तरह से इधर पूरी लाइन में वर्दियां ही टंगी हुई हैं। एक्चुअली सभी लोग को 2020 में ही नौकरी मिल गई होती, मस्त नौकरी कर रहे होते, लेकिन उस टाइम पे जब केस हाईकोर्ट में गया तो उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया, फिर विरोध में अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर रिजर्व किया गया, उसके बाद में काफी ज्यादा टाइम लग गया, और अभी कल ये सभी लोग ऑफिशियली SI बन जाएंगे। यार जब SI की वर्दी ऊपर होती ना, तब अलग ही एक्सप्रेशन होता है, अलग ही फीलिंग होती है। हालांकि मुझे पहनने को नहीं मिलेगी। भैया के साथ ही टोटल 66 कैडेट्स कल सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। हालांकि एक दो लोग पहले से ही सब इंस्पेक्टर थे जो कि सिविल में थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और अब वो अग्निशमन विभाग में आ गए हैं, तो कल वो भी सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे अग्निशमन विभाग में। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं भैया के बैरक के सामने जो सड़क है वहीं पर घूम रहा हूँ। एक्चुअली भैया सामने मेस में खाना लेने के लिए गए हैं, शायद मैं बाहरी सड़क पर घूम रहा हूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।